बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिशारत चीमा। आज मैं आपके लिए 10 मरले का ब्रांड न्यू डबल स्टोरी घर लेके आया हूँ। 10 मरले का स्पेनिश घर है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। यहाँ पे बिजली, पानी, गैस तमाम सहूलियात मौजूद हैं। बिजली वापडा की है और इसकी लोकेशन अल रहमान गार्डन फेज़ टू लाहौर है। 10 मरले का स्पेनिश स्टाइल का आप अंदर से देखेंगे, यकीनन आप लोग पसंद करेंगे। तो वीडियो आप कम्प्लीट देखिएगा। सबसे पहले इस घर का फ्रंट एलिवेशन देख लें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन बना हुआ है। मॉडर्न स्टाइल में, स्पेनिश लुक में ये घर है। इसमें जो अंदर ऊपर जो सेफ्टी ग्रिल्स लगी हुई हैं, कलर कम्बिनेशन है, लाइट्स हैं, वो तमाम चीज़ें बड़ी शानदार हैं। तो इसके बाद आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है। इस घर की जो चौड़ाई है वो 35 फिट है। इसकी जो लंबाई है 65 फिट है। 35 बाय 65 का ये मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत घर आप देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ये घर है। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। आप लोगों को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते और पहले ही कॉल करना शुरू कर देते हैं। इस घर की डिमांड, इसकी लोकेशन, तमाम तफसीलात आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की जाएंगी। यहाँ पे गैस, बिजली, पानी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ये फ्रंट वॉल, इसकी फीचर वॉल आप देख रहे हैं। ये इसका गेट है, बड़ा खूबसूरत इसका गेट है। और यहाँ पर 30 फिट के रोड्स हैं। बिजली वापडा की है, गैस मौजूद है। चलाएँ इस घर के अंदर चलते हैं। अंदर एंटर होते हैं तो कार पोर्च से पहले आप लोगों को इसका फ्रंट लॉन दिखाते हैं। ये खूबसूरत लॉन, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत लॉन है। स्पेनिश स्टाइल का 10 मरले का मॉडर्न घर आप देख रहे हैं। इस घर की लोकेशन अल रहमान गार्डन फेज़ टू लाहौर है। और ये इसका सीलिंग वर्क है कार पोर्च का, बड़ा इंतहाई शानदार ये कार पोर्च। अभी ये बिल्कुल घर रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस घर की जो डिमांड है वो 3 करोड़ 25 लाख है। 3.25 करोड़ इस घर की डिमांड है कैश पेमेंट पे। और यहाँ पे खूबसूरत निशेज आप देख लें। और इस तरफ ओपन स्पेस है जो कि वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, बैक साइड पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी ओपन है घर। तो चले आए इस घर के अंदर लेके चलते हैं। ये इसका मेन डोर जो कि फुल हाइटेड डोर है, सॉलिड वुड का। यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे। ये सबसे पहले इसकी स्टेयर लॉबी, यहाँ पे नीचे पाउडर रूम, ये स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। तो आप लोगों को पहले पाउडर रूम दिखाते हैं। ये इसका पाउडर रूम, और यहाँ पे स्टेयर्स, यहाँ पे खूबसूरत शैनलियर एंट्री पे। ये ड्राइंग रूम का डोर है, सामने मेन डोर है, फुल हाइटेड डोर है, आप देख सकते हैं। तो ड्राइंग से हम एंटर होंगे अंदर। ये इसका ड्राइंग रूम का डोर है। ड्राइंग रूम का साइज काफी खूबसूरत और शानदार। ये आप लोग इसका सीलिंग वर्क देख लें, फैंस वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है। सीलिंग जो है मॉडर्न स्टाइल की आप देख सकते हैं। और यहाँ पे खूबसूरत फायर प्लेस जो है वो डिजाइन की गई है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सारी वॉल्स फीचर वॉल है। और ये इसका ड्राइंग रूम का डोर है जिसको ग्लास के साथ सेपरेट किया गया है। स्लाइडिंग डोर है, अगर आप ओपन करना चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, अगर आप बंद रखना चाहें तो बंद भी रख सकते हैं। स्लाइडिंग डोर्स हैं इसके, आप देख सकते हैं। इसको अगर आप ओपन कर देंगे तो इसके दोनों डोर जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। ड्राइंग रूम इसके लॉन्च के साथ जो है वो साथ मिल जाएगा। ये इसके लॉन्च का व्यू है। CCTV कैमराज यहाँ पर इंस्टॉल है। और ये इसका सीलिंग वर्क, 10 मरले का घर है। आप लोगों को एक कनाल जैसी फीलिंग ये देगा, बिल्कुल ज़बरदस्त घर है। सामने इसका मॉडर्न किचन है और किचन के डोर भी स्लाइडिंग डोर रखे गए हैं ताकि अगर आप ओपन रखना चाहें ओपन रख लें, क्लोज रखना चाहें क्लोज रख लें। ये इसका खूबसूरत शैनलियर है। और सामने इसकी मीडिया वॉल है जहाँ पे CCTV कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल है, वो आप लोगों को यहाँ से पूरे घर का व्यू मिलेगा। 2 बेडरूम नीचे हैं, 3 बेड ऊपर हैं। तो अभी सबसे पहले इसका आप लोगों को किचन दिखाते हैं, मॉडर्न स्टाइल का किचन। ये डोर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्लाइडिंग डोर, और आप इनको ओपन कर देंगे तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ओपन सारा घर मिलेगा। यहाँ पे गैस का चूल्हे वगैरह इंस्टॉल हैं और ओलिव का यहाँ पे आप लोगों को एग्जॉस्ट मिल जाता है। और इसकी जो वार्डरोब्स हैं, किचन कैबिनेट्स आप देख सकते हैं, बड़ी शानदार बनी हुई हैं। इसका पहले सीलिंग वर्क आप लोगों को दिखा दें। किचन का विज़िट, ये लाइट्स आप लोगों को वैसे ही, ये वैसे नेचुरल में ब्लिंक नहीं कर रही, कैमरा में ब्लिंक कर रही हैं। अभी आप लोगों को बेडरूम दिखाते हैं, 1 बाय 1 दोनों बेडरूम। तो सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं। फुल हाइटेड डोर है, आप देख सकते हैं।
और ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा और मुनासिब साइज़ है, शानदार। और ये इसका सीलिंग वर्क इस घर का, सामने वॉल्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो ये मीडिया वॉल इसकी, इस तरफ इसका अटैच वॉशरूम, वेंटीज, लुकिंग मिरर और टाइल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत तक इंस्टॉल है, और टाइल्स जो हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे इंस्टॉल है। जैसा कि मैंने बताया, ये घर बिल्कुल अभी रेडी हुआ है। यहाँ पे आप इसकी वार्डरोब देख सकते हैं, पूरे कमरे की जो है ना वो दीवार में इसकी वार्डरोब्स हैं और लॉकर्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे वार्डरोब इंस्टॉल की हुई हैं। तो चले आए आप लोगों को दूसरा बेडरूम दिखाते हैं, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये इस घर का दूसरा बेडरूम, ये लाइट्स का मैं बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को सिर्फ कैमरा में नज़र आ रही हैं, लेकिन वैसे जो है लाइट्स बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, आप लोग जब आके विज़िट करेंगे। ये इसका सीलिंग वर्क है, बड़ी सी विंडोज़ हैं वेंटिलेशन के लिए, और इस तरफ इसकी कमरे की वार्डरोब्स हैं। 10 मरले का ब्रांड न्यू डबल स्टोरी घर अल रहमान गार्डन फेज 2 लाहौर में आप देख रहे हैं। तो इस घर की जो डिमांड है 3,25,00,000 कैश पेमेंट पे इस घर की डिमांड है। ये इस घर का अटैच वॉशरूम्स, वार्डरोब्स आप देख सकते हैं, और ये जो मिरर है आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक है, इनके सामने आता है तो ये ऑन हो जाती हैं लाइट्स, यहाँ पे LED मिरर यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये इसके टाइल्स का कम्बिनेशन है। तो चलाएं इसके बाद आप लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखाएंगे, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप अपना घर बनाना चाहेंगे तो उस लिहाज से भी, और अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आप फौरी जो है इस घर को खरीद सकते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर चलते हैं स्टेयर्स के ऊपर, ग्रेनाइट, जेट ब्लैक ग्रेनाइट यहाँ पे इंस्टॉल है। साइड्स के ऊपर लाइट्स आप देख सकते हैं। ऊपर आते हैं तो ये सबसे पहले एंट्रेंस लॉबी, इस तरफ टेरेस है इसकी, और दूसरी तरफ से घर में मेन हम एंटर होंगे। तो छत से जाने से पहले हम अंदर से आप लोगों को पूरा घर विजिट करवाएंगे। ये ऊपर वाला फ्लोर, यहाँ पे ऐसे ही बैक साइड पे दो बेडरूम्स हैं। ये इसका लाउंज का व्यू है, टीवी लाउंज का, सीलिंग वर्क, और सामने इसके ओपन किचन है। ऊपर वाले फ्लोर पे 3 बेडरूम मौजूद हैं। इस घर में सॉलिड कंस्ट्रक्शन हुई है और हर चीज़ की समझ लें इंशाल्लाह आप लोगों को गारंटी दी जाएगी। ये लाइट्स भी ऊपर किचन में लगी हुई हैं। अगर आप लोग इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप लोग घर खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे ही रब्ता करें, ताकि आप लोगों की फेयर डील करवाई जाए। अगर कोई भी घर देख के आप लोग हमसे रब्ता नहीं करते, किसी भी पार्टी से डायरेक्ट रब्ता करते हैं, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जो घर हम आप लोग हमसे परचेज करेंगे इंशाल्लाह उसमें हमारी पूरी जिम्मेदारी होगी। ये इसकी मीडिया वॉल है, अटैच वाशरूम, वेंटीज, यहाँ पे लोग जो है वो घर देख के खुद जाके डायरेक्ट रब्ता कर लेते हैं, और समटाइम्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, बयाना वगैरह दे दिया जाता है तो, लेकिन बाद में लोग उनको जो है वो अपने बयाने से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने कमीशन बचाने के चक्रों में अपना नुकसान ना करें, किसी अच्छे जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उससे आप लोग रब्ता करें, ताकि आप लोगों की फेयर डील करवाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह फेयर डील करवाते हैं और हमारे क्लाइंट्स हमसे खुश हैं। ये इसका बेडरूम, सीलिंग वर्क, हर बेडरूम में डिफरेंट सीलिंग है और डिफरेंट डिज़ाइन और कलर स्कीम जो है वो बिल्कुल सिंपल यूज़ की गई है। यहाँ पे ग्लास और पोशिश आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसके बाद हम इसके अटैच वाशरूम में जाते हैं। ये इसका अटैच वाशरूम, यहाँ पे भी वेंटीज, छत तक टाइल्स लगी हुई हैं। 3,25,00,000 कैश पेमेंट पे इस घर की डिमांड है। अल रहमान गार्डन फेज 2 लाहौर की प्राइम लोकेशन पे, बिजली, पानी, गैस, बिजली वापडा की यहाँ पे मौजूद है, गैस भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, यही घर मौजूद है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो रब्ता करें। ये ऊपर वाले फ्लोर का तीसरा बेडरूम, बेडरूम के साइज़ माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त और मुनासिब हैं। सीलिंग वर्क बिल्कुल अभी रिसेंटली ये घर रेडी हुआ है, और इस घर को अगर आप खरीदना चाहेंगे तो जल्द से जल्द रब्ता करें, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो रही हैं और 10 मरले के
जो घर हैं वो बहुत कम यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ये वॉशरूम टाइल्स आप देख सकते हैं, इतना शानदार यहाँ पे यूज हुई हैं। इसके बाद हम बाहर आप लोगों को टेरेस का व्यू करवाते हैं। शाम हो गई है और शाम में यहाँ पे आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, मौसम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे खूबसूरत आय तहरीर हुई है और शाम की चाय यहाँ पे बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। अजानें भी हो रही हैं तो छत पे चलते हैं, छत का व्यू भी आपको करवाते हैं। बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे अल रहमान गार्डन फेस्टिवल लाहौर की प्राइम लोकेशन पे ये घर है। ये ऊपर स्टोर रूम, ठीक है जी, और इसका सीलिंग। स्टोर से हम बाहर निकलते हैं, ये इसकी छत है। छत के ऊपर मार्बल लगा हुआ है, चार पहिया डाले, एंजॉय करें। ऊपर वॉशरूम मौजूद है, वाटर टैंक मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे। और यहाँ पे आप लोगों को एक सर्वेंट क्वार्टर भी मिल जाता है, इसको सर्वेंट क्वार्टर कह लें, एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये भी प्रॉपर एक पूरा बेडरूम की तरह सीलिंग वगैरह यहाँ पे हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।